हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ये मैं कुछ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या ले आई मैं। एक्चुअली ये हर हाउसवाइफ के घर की प्रॉब्लम है कि जो आपके नाइफ होते हैं, जो स्टील वाले नाइफ होते हैं ज़्यादातर, वो ब्लंट हो जाते हैं। तो ये सब की प्रॉब्लम है ना। अब आप उसके लिए क्या करते हैं, या तो आपके नाइफ को फेंक देते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप वो गली में नहीं आता है शार्प करने वाला, आप उसको देते हैं और वो आपको शार्प करके दे जाता है 10-15-20 रुपए में। 10-15 ही लेते हैं जहाँ तक मेरे को है, क्योंकि मैं तो कराती नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। बट इसका बहुत एक प्यारा सा सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ईजी है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ये काम है जो आप करोगे घर पे, और आपके नाइफ हमेशा हमेशा शार्प रहेंगे। तो क्यों भैया को 15-20 रुपए देने यार, 150-200 रुपए में तो चाकू ही आ जाता है अच्छा खासा। तो चलते हैं किचन की तरफ, और मैं आपको आज इस प्रॉब्लम का सलूशन दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने नाइफ को ऑलवेज शार्प रखती हूँ। और मेरे पास सिर्फ यही नाइफ नहीं है, मेरे पास कम से कम 10-12 नाइफ हैं अलग अलग चीज़ों को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए, वो बहुत सारे हैं। और फिर मुझे, मैं शायद एक तरह से कह सकते हैं, शौक़ भी है कि मैं नाइफ कलेक्ट करती रहती हूँ। एक तो मैंने बड़े वाला नाइफ होता है ना, वो ज़बरदस्ती ले लिया था, जबकि हमारे घर में ऐसा कोई उसका एज सच यूज़ नहीं है, टू बी फ्रेंक, क्योंकि वो मुझे लगता है जहाँ तक ज़्यादातर या तो शेफ़ लोग यूज़ करते हैं, या जिनके घर में नॉनवेज बनता है वो लोग यूज़ करते हैं। बट मैंने बस कहीं देखा था, इनके फ्रेंड के घर गए थे तो भैया उससे चॉप कर रहे थे जल्दी जल्दी, मुझे देख के मज़ा आया, और नेक्स्ट डे मैं होम सेंटर गई और वहाँ से लेके आई थी वो चाकू। तो मैंने मतलब वो ले तो लिया, बट ऑब्वियस उसका यूज़ नहीं है, रखा रखा वो ब्लंट हो गया, पता नहीं कैसे, कई बार टुक होता है, घिस देता है कहीं भी। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं कि अपने जो ब्लंट चाकू होते हैं हम उसको कैसे शार्प करें और ऑलवेज शार्प रखें। फ्री का नुस्खा है, और चलिए फटाफट किचन की तरफ। तो हम लोगों के घरों में ना इस टाइप के चाकू आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। ये स्टील के चाकू हैं और ये लोहे का है। लोहे वाले चाकू में क्या होता है कि जब हम इससे सब्जियां कट करते हैं या कोई भी चीज़ कट करते हैं तो ये धीरे 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 शार्प होता रहता है। लेकिन स्टील वाले चाकू में क्या होता है कि जितना हम इसको यूज़ करते हैं ये उतना ही मतलब इसकी शार्पनेस ख़त्म होने लगती है। तो अभी ये वाला मेरा न्यू है तो इसमें तो काफ़ी अच्छी शार्पनेस है, ये भी थोड़ा ठीक ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसकी शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ, अपना हाथ कर रही हूँ, और मेरे हाथ में कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए। तो इसकी शार्पनेस बिल्कुल जा चुकी है, तो हम इसी को करेंगे पहले। इनको अभी करने की मुझे नीड नहीं है तो इनको नहीं करूँगी, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया था आपको, इसको करूँगी। ये शार्प है लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा सा करके दिखाऊँगी कि ये क्लीन हो जाएगा। मेरे बहुत कम यूज़ में आता है, मुझे नहीं लोहे का अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्यों मैंने ले लिया था। तो इसको हम शार्प करेंगे, और ये मेरा काफ़ी पुराना चाकू है और मेरा फेवरेट है, तो बस इसको हम स्टार्ट करते हैं शार्प करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा ये नैनो वाइट है जो मेरा काउंटर है, तो सबसे पहले मैं इस पर कपड़ा डाल लूँगी। और कपड़ा डालने के बाद जो हमारे पास सिरामिक के मग्स होते हैं, कप हो या मग हो आपके पास ज़रूर होंगे सिरामिक का कोई भी बर्तन, उसको आप उल्टा रखेंगे, और उसका ये जो बॉटम साइड है, ये बॉटम साइड आप ये ले लेंगे इस साइड से, और जो आपका चाकू होगा उसको ऐसे ऐसे घिसना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको करने में, लेकिन इससे आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे करते रहेंगे, धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसको ना ऐसे करके नहीं चलाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं चलाना है, इसको हमें अपोजिट साइड लेके जाना है, और ये खड़ा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बस ये वाला जो हिस्सा है इसका ये जाना चाहिए इस पे। तो हम धीरे धीरे इसको करेंगे। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो स्पीड थोड़ी स्लो रखनी है, ये एक्चुअली मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है तो आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज़ी से कर रही हूँ, लेकिन आपको धीरे 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 करना है ये चीज़, और उसको अपोजिट साइड में अलट पलट के खींचते रहना है चाकू को, ताकि वो बहुत फाइनली शार्प हो जाए। और ये बहुत बहुत इजी काम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमें इसको अलट पलट के ही करना है, थोड़ा देर इधर करना है, थोड़ी देर इधर, और इसको पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाना है, पीछे की तरफ। अगर आप आगे की तरफ करोगे तो इसकी शार्पनेस और कम हो जाएगी, तो हमें इसको करते हुए पीछे की तरफ लेना है,
इस तरह से जब हल्का हल्का प्रेशर डाल के इसको करेंगे, तेज प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे करना है, टाइम लगेगा लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो अमेजिंग होगा। इतने महंगे महंगे ये चाकू आते हैं और इन पे हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट ये मेरे को लगता है ये 30 डेज में मेरा खराब हो गया था जब मैंने पहली बार लिया था। और मैं इससे पहले कई चाकू अपने फेंक चुकी थी, ऐसा नहीं है कि यही है मेरे पास चाकू, पहले मैं स्टील के जो भी मैंने चाकू लिए थे वो मैं कई फेंक चुकी थी, बट जब से मुझे ये वाली ट्रिक मैंने खुद ही की थी, एक्चुअली मैंने ये किसी से सीखी नहीं है, मैं आपको झूठ बोलूं नहीं मैंने किसी को सीखा है, ये मैंने खुद ही ऐसे ही मैं एक दिन लेके बैठ गई थी, ऐसे घिस रही थी, मुझे कुछ DIY करना था मग के साथ, तो मैं उसको ऐसे घिसने का ट्राई कर रही थी, तो मुझे फील हुआ कि जैसे मेरा चाकू फाइन हो रहा है, तो बस इसको धीरे धीरे कीजिए और ये काफी हद तक फाइन हो चुका है मेरा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो बस यही हमें करना है, ऑलमोस्ट हमारा चाकू हो चुका है, थोड़ी देर मैं और करूंगी इसको, और इसको करने में मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इसको करते करते, तो आपको भी उतना टाइम लग जाएगा। तो ये चाकू लग हमारा हो चुका है और ये काफी गर्म हो गया है, चाकू हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैं इस पे ऐसे फिंगर चलाने की गलती नहीं कर सकती क्योंकि ये काफी शार्प है, तो ये काफी अच्छे से हो गया है। अब हम लोहे वाला करेंगे, लोहे वाला वैसे तो मेरा इसमें अच्छे से एजेस हैं लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ, तो इसको भी कर लेते हैं। इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा क्योंकि ये लोहे का है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर जाएगा, स्टील वाले में कम प्रेशर रखना है, लोहे वाले में आपको थोड़ा ज्यादा प्रेशर रखना है, तो इससे ये साफ भी हो जाएगा। इसमें हम स्टील वाले में कर रहे थे कि हम बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे इसको शार्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोहे वाले को हम पूरा करेंगे क्योंकि ज्यादातर ये गंदा हो जाता है ना, तो हमने पूरा लिया है, ये साफ भी हो जाएगा हाथ किया तो, और इसको पलट पलट के ऐसे ही करते रहेंगे। ये देखिए ये तो फटाफट ही हो गया, इसको तो टाइम भी नहीं लग रहा करने में, ये देखिए मुझे लग रहा है इसको तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा करने में और ये लगभग हो ही गया है क्योंकि मुझे करने में पता लग रहा है ना कि यहाँ हो रहा है। अभी ये हो चुका है हमारा चाकू, बिल्कुल फाइन है ये, अब इसको हम धो लेंगे। और ये जो आपका काला हुआ है ना, ये भी आप जब अपना ये मग धोगे तो ये भी क्लीन हो जाएगा, इसकी भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि हाँ ये खराब हो गया काला हो गया। तो आप अपने महंगे से महंगे चाकू को, ये तो मेरा बहुत सस्ता है लेकिन ये हाँ थोड़ा कॉस्टली है, तो महंगे से महंगे चाकू को आप बहुत इजीली फाइन कर सकते हो, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। थैंक यू। तो बताइएगा आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी, और अगर आपको ज़रा भी मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई और टेक्निक भी है तो, शायद मेरे को भी कुछ सीखने को मिले, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको कुछ सिखाऊं, कुछ आप भी मुझे सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।